अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम एहतिशाम रियाज है और आज हम एक ऐसे बंदे का YouTube चैनल देखने जा रहे हैं जिसने अपने मुंह से बोल के कहा कि उसने YouTube से 10 से 12 करोड़ रुपए कमाए हैं पिछले 2 सालों में। ये बंदा एक बहुत ही मशहूर हस्ती है और इसका ताल्लुक मीडिया से है, लेकिन इसने ऐसा क्या YouTube चैनल के साथ किया कि उसने पिछले 2 सालों में 10 से 12 करोड़ रुपए कमा लिए और तकरीबन 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर इसके हो गए। तो हम इसके YouTube चैनल की तरफ चलते हैं और इससे सीखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इसने क्या किया कि पिछले 2 सालों में इसके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, जो लोगों को सालों साल लग जाते हैं हासिल करते हुए, और क्या ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की कि इसके व्यूज इतने आए कि इसने 10 से 12 करोड़ रुपया जो है वो कमा लिया। ये यूट्यूब चैनल है इमरान रियाज खान का और आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही जाना माना नाम है मीडिया में और इसके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तो इसने अपना YouTube चैनल बनाया। सबसे पहले हम इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं। अबाउट सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं कि इसने 15 अप्रैल 2020 को अपना चैनल जो है वो शुरू किया और इसके तकरीबन 100 मिलियन से ऊपर इसके व्यूज अभी तक हो चुके हैं। इसने अपने डिस्क्रिप्शन में भी सीनियर जर्नलिस्ट इमरान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि इसका चैनल जो है वो हैक हो गया था और इसके मुताबिक 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसने कंट्रोल जो है वो वापस ले लिया। अब मैं इसकी वीडियो की तरफ जाता हूं और देखते हैं कि इसकी वीडियोज में क्या ऐसा है और कुछ बातें आप लोगों के साथ एक ऐसी शेयर करूंगा कि स्टार्टिंग में इसने क्या ऐसा किया कि इसका यूट्यूब चैनल जो है वो इतनी जल्दी ग्रो कर गया। सबसे पहले आप वीडियोस में जाते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये डेली बेसिस पे एक दो वीडियोस डालता है, एक दिन में एक से ज्यादा वीडियोस भी डालता है। अब हम लोग शॉर्ट करते हैं कि इसकी पुरानी वीडियोस जो है वो स्टार्टिंग कहां से हुई। इसकी जो पुरानी वीडियो जो है वो पुरानी मौलाना तारिक जमील पे है और ये वीडियो 2 साल पहले आई थी। इस वीडियो की एक खास बात मैं बताता चलूं, उस वक्त मौलाना तारिक जमील का जिक्र मीडिया में बहुत ज्यादा था और जब इसने ये वीडियो पोस्ट की तो लोगों का ध्यान इस तरफ था, इस टॉपिक की तरफ था और लोग बहुत ज्यादा इस वीडियो को देखने के लिए आए और इसकी एक वीडियो से इसका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम जो है वो पूरा हो गया। फिर इसने ये अपनी टेक्निक जो है वो जारी रखी, हर उस मशहूर बंदे पे इसने वीडियो बनाई, हर उस मशहूर टॉपिक पे इसने वीडियो बनाई, हर उस वायरल टॉपिक पे इसने वीडियो बनाई जिसको वायरल होने में देर नहीं लगती थी। और इसकी वीडियो जो है वो इसके नाम के साथ साथ, नाम तो मशहूर तो पहले ही ये था लेकिन फिर जब इस टॉपिक पे इसने वीडियोस बनानी, वायरल टॉपिक्स पे इसने वीडियोस बनानी शुरू की तो इसकी वीडियोस भी ऐसे ही वायरल होती गई। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वीडियोज जो है वो हर उस बंदे से रिलेटेड हैं जिसका जिक्र मीडिया में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं या जिस टॉपिक का जिक्र हम लोग मीडिया में सुनते रहते हैं। और जब मीडिया में किसी चीज का जिक्र होता है तो हर बंदे की चाहत होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले, और जब वो सर्च करता है यूट्यूब पे कि यार कि इस टॉपिक पे क्या बात हो रही है तो इमरान खान की वीडियोज जो है वो रिकमेंडेशन में आती है। रिकमेंडेशन में आने की वजह से इसकी जो वीडियोज हैं वो वायरल हो जाती हैं। इसको एक और फायदा हमारे वजीर आजम इमरान खान की वजह से भी हुआ, क्योंकि उनका जिक्र भी मीडिया में अक्सर बहुत ज्यादा रहता था और जब लोग इमरान खान सर्च करते थे वजीर आजम के बारे में तो इसकी वीडियोज भी शो होना शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से इसको यह फायदा हुआ कि इसका चैनल जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो किया। और इसमें कोई शक नहीं, अगर ये कहता है कि इसने 10 से 12 करोड़ रुपया कमाया है, मुझे तो लगता है इससे ज्यादा इसने कमाया होगा इस YouTube चैनल से, क्योंकि इसके व्यूज को देखा जाए तो ये बात आराम से मानी जा सकती। दूसरी तरफ देखा जाए तो यूट्यूबर की मेन इनकम जो होती है वो सिर्फ यूट्यूब एड से नहीं आती। यूट्यूबर का दूसरा इनकम सोर्स जो होता है वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं और उसके बदले अच्छे खासी कीमत जो है यूट्यूबर को देती हैं। लेकिन इमरान रियाज खान के चैनल में आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि इसमें पेड कंटेंट बहुत कम होता है लेकिन YouTube की जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो इसकी बहुत ही अच्छी है और उससे इसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इसको क्यों इतना फायदा हुआ ये तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इसने वायरल टॉपिक्स पे वीडियो बनाई और अपनी इस टेक्निक को जारी रखा और आज ये टाइम है इसका 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है और इसका 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज है।
जिसकी वजह से इसको YouTube पे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।